अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, पैसे भी लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है रिस्क लेने में कि यार ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ, क्या इसमें मेरा फ्यूचर है? अगर मैं ये काम करता हूँ तो इसमें मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या इसका फ्यूचर है? बहुत सारा डाउट रहता है और इस कारण से बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप नहीं कर पाते। अपने इस चैनल पर आपको गाइडेंस मिलेगा कैसे आप अपना नया स्टार्टअप कर सकते हो। आपको हम विजिट कराएंगे उन लोगों से जो कोई ना कोई स्टार्टअप करके आज कामयाब है। ऐसे विजिट कराऊंगा मैं, जैसे अभी आपको मैंने एक दिखाया था, एक 17 ईयर ओल्ड एक गर्ल ने अपना स्टार्टअप किया है बेकरी का अपने घर से ही, और आज वो शहर की ब्रांड बन चुकी है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 6 स्टार्टअप आइडियाज़ के बारे में जिनके बारे में कोई नहीं जानता और आज सबसे ज़्यादा नीड है। अगर आप में से कोई ने स्टार्ट कर लेता है, गारंटेड उसकी अर्निंग महीने के 50,000 रुपये से स्टार्ट होगी और जेन्युइन तौर पर आप ये लाखों का करोड़ों का बिजनेस बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका वर्क हार्डर अगर आप है तो आप इसमें गेन कर सकते हो लॉन्ग लाइफ। तो बिना किसी देरी के चलता हूं आपको एक एक बिजनेस आइडिया पर। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नया चैनल है और आप सबके सपोर्ट में हमेशा रहेगा। तो चलिए, और अगर आपके पास भी कोई आइडिया है जिसके आप चाहते हो कि वीडियो बनाएं, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्टअप जो किसी ने किया है और सक्सेसफुल है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा जीमेल आईडी है और आपको सिंपली यहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी डिटेल है आप सेंड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा जी, सबसे पहले जो यहाँ पर सिंपल सी आता है ये बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, विचार करने के बाद, क्योंकि मुझे 13 साल का करियर एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इसी के बेस पर सबसे पहला आता है ओल्ड मैन केयर सेंटर। आज की डेट में हमारी इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जितनी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है ना, बॉम्बे हो गया, ऐसे ही बहुत सारी सिटीज़ ऐसी है, इंदौर हो गया, मतलब मैं कहूँ चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, इन जगह पर मैक्सिमम इंडिया के लोग काम करते हैं। अब क्या होता है कि बूढ़े माँ बाप घर में हैं और वो बाहर काम कर रहे हैं, मैरिज हो गई, बाहर ही सेटल हो गए, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, ऐसे में ओल्ड जो उनके माता पिता हैं उनकी केयर कैसे होगी? और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहते, अगर उनका बेटा बाहर जॉब करता है तो वो वहीं रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपको एक ओल्ड मैन केयर सेंटर खोल सकते हो जिसमें आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो आपके लिए काम करेंगे। ओल्ड मैन मान लीजिए किसी को हॉस्पिटल जाना है डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए, किसी को वैक्सीनेशन के लिए जाना है, किसी को शॉपिंग के लिए जाना है, किसी को कहीं जाना है, एक्सरसाइज करानी है, ये सारे काम आप उनके लिए कर सकते हैं। इसके लिए चाहो तो आप अपना एक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, लोग एप्लीकेशन के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उनका काम कराओगे और उसकी एक फ़ीस आप चार्ज कर सकते हैं और रेगुलर काम ये चलने वाला है, क्योंकि आपकी जो जितनी ज़्यादा टीम बढ़ेगी, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं उन लोगों को जो एक्स जिन्हें कह सकते हैं आर्मी मैन, यानी कि फौज से रिटायर, जो फौज से रिटायर लोग होते हैं आर्मी से, वो बिलीव होते हैं, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं हमारे देश की रक्षा करने वाले वो सैनिक, जो रिटायर होने के बाद, आज आपने देखा होगा उसके बाद वो क्या करते हैं। तो आप उन्हें एक अच्छा सा इस तरह का काम प्रोवाइड करा सकते हैं जो अपने मन से करना चाहे, वो बड़े लोगों की सेवा करेंगे, उनके घर में भी सपोर्ट करेंगे, कहीं आना है जाना है कुछ है, और उन पर लोग बिलीव भी करते हैं, अदरवाइज़ किसी को भी घर में घुसाना अच्छा नहीं होता, सेफ नहीं होता। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आइडिया है, अगर इस पे कॉन्सेप्ट पे काम करें ओल्ड मैन केयर सेंटर के बेसिस पे, आप सोच सकते हैं कि कहाँ तक ये बिजनेस जा सकता है। हमारे इंडिया भी न्यूक्लियर फैमिली की तरह बनता जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो बूढ़े मम्मी पापा जो है वो घर पर ही रहते हैं, उनको नीड पड़ती है और वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है दोस्तों मशरूम फार्मिंग। आपको पता है कि 1000 से ज़्यादा वेराइटी की मशरूम आती है, आप क्या कर सकते हो, मशरूम की फार्मिंग कैसे होती है आपको मैं समझा देता हूँ। 10x10 का आपका एक कमरा है, ठीक है, रूम है आपका, उस रूम को आपको ब्लैक रखना है, यानी कि उसको कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए, अगर कोई विंडो है तो विंडो को आप ब्लैक पेपर से बंद कर देंगे, अंधेरा रहना है, 15 दिन में एक बार आपको यहाँ पर पानी देना है, सिंपल सी बात है, और आप एक रूम के अंदर 10x10 के रूम के अंदर मशरूम की खेती कर सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। जितनी आप एक महीने में आपकी उपज होती है, एक कमरे में आप 50,000 1,00,000 तक का मशरूम उगा सकते हो, और उससे जो मशरूम उगता है उसे आप होटल से कॉन्टैक्ट करके, रेस्टोरेंट से कॉन्टैक्ट करके, या जो बड़े बड़े कुक होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके आप उन्हें प्रोवाइड करा सकते हो। काफ़ी अच्छी अर्निंग आपकी होगी। मशरूम फार्मिंग के बारे में मैं विजिट भी कराने वाला हूँ आपको, मेरे पास एक एक्सपर्ट है जो आपको बताएंगे कैसे इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, तो अपने इस चैनल पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें मेक ब्रांड ऑफ स्मॉल बिजनेसेस,
आज की डेट में हर गली मोहल्ले में बहुत सारे बिजनेस ऐसे होंगे जो बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन रोजाना के 500,000 2,000 रुपए ही कमा पाते हैं। आप ऐसे बिजनेस को ब्रांड बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई मोमोज वाला है, मोमोज बहुत अच्छे बनाता है, वर्ल्ड क्लास मोमोज बनाता है। कोई सैंडविच अच्छे बनाता है, किसी की अपनी आइसक्रीम अच्छी है सेल्फ मेड, ठीक है ना, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है। आपको लगता नहीं यार ये बहुत बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं हरिद्वार के पास एक जगह पड़ती है ज्वालापुर, वहाँ पे मैं गया, मुझे पता लगा कि वहाँ पे सुरजा की दाल, जी हाँ सुरजा की दाल करके फेमस है, अगर आप कोई जानते हो तो कमेंट करना। वो नीचे बैठते हैं ज़मीन पर और आज से नहीं 40 साल हो गए हैं, उन्हें उनके फादर पहले किया करते थे, और ज़मीन पर बैठ कर वो पत्ते पर जो दाल होती है उसे उबाल के उसे मैश करके नींबू डाल के मसाले वसाले उनके अपने डाल के देते हैं। पेट के लिए वो बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह भीड़ लगी रहती है उनके पास और पूरे इंडिया में शायद वो ही है। और ऐसे लोगों को ब्रांड बना सकते हैं, जी हाँ उनको, लेकिन क्या है कि उनकी एज हो चुकी है तो वो नहीं करना चाहते, मैंने उनसे बात की थी। तो ऐसे लोगों को आप सुन सकते हैं और उन्हें ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड कैसे बनाएंगे, आप उनका वेबसाइट बनवा सकते हैं, ठीक है ना, बस उनसे कहिए कि मैं इसका एक चार्ज करूँगा, उनसे चार्ज ले सकते हैं महीने के, या उनका प्रॉफिट में शेयर ले सकते हैं, या कोई फीस वगैरह रख सकते हैं मंथली सैलरी बेसिस पर। आप उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डालिए, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करिए, गूगल से प्रमोट कराइए, यूट्यूबर से प्रमोट कराइए और उनको थोड़ा सा इन्हेंस करिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। आप छोटे छोटे बिजनेसेस को पकड़ के उन्हें डेवलप कर सकते हो और वहाँ से अच्छा खासा गेन कर सकते हो। वीडियो प्रोडक्शन सेंटर, आज की डेट में कोई यूट्यूबर हो, कोई मैरिज फंक्शन हो, या फिर आपका कोई छोटा मोटा शूट हो जैसे एडवर्टीजमेंट है, कुछ भी है, आजकल हर चीज़ वीडियो बेसिस हो गई है। मतलब इनविटेशन भी आजकल वीडियो में ही जाने लगे हैं। अब ऐसे में आप अपना एक वीडियो प्रोडक्शन सेंटर खोल सकते हैं जहाँ पे आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो वीडियो शूट कर सकते हो, वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इतना काम है गाइस, बहुत ज़्यादा। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोगों से, यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ ज़रूरत है आज की डेट में इनकी। वीडियो प्रोडक्शन सेंटर आप अगर खोल लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। फिफ्थ नंबर होता है स्टॉक फुटेज स्टार्टअप। जैसे दोस्तों बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं, आपने देखा होगा या हमारी वीडियो में भी आपने देखा होगा, बीच बीच में क्लिप्स आती है, वो क्लिप्स होती हैं फॉरेन्स की, है ना, एडवर्टीजमेंट आते हैं तो उसमें छोटी छोटी वीडियोस क्लिप चाहिए होती हैं इंडियन फेसेस की। आप गूगल पर जाके सर्च करोगे जैसे गर्लफ्रेंड से बात करने की, या साथ में खाना खाने की, या कॉलेजेस में पढ़ाई करने की, या बिजनेस ऑफिस की कोई एक ग्रुप वीडियो। हम यूट्यूबर्स को जरूरत पड़ती है, वीडियो के बीच में छोटी छोटी क्लिप्स लगा देते हैं। अब वो कहाँ से लाते हैं, वो लाते हैं पिक्सल से या शटरस्टॉक से या एडोब फोटो से, और वहाँ पर मिलती हैं फॉरनर्स की, इंडियंस की नहीं है। अगर आप एक अच्छी सी अपनी वेबसाइट बनवा कर उसमें एक अच्छे अच्छे शूट डलवा कर, शूट मतलब खाने का शूट, फैमिली का, न्यूक्लियर फैमिली का, ऑफिस का, राइडिंग का, गार्डन का, एटमॉस्फेयर, ये सब मार्केट वार्केट डलवा देंगे तो बहुत सारी कंपनियां जो एडवर्टीजमेंट में यूज़ करती हैं वो आपका सब्सक्रिप्शन ले सकती है आपकी वेबसाइट का, और उसे वो परचेज कर सकती है वहाँ से फोटोज़ वगैरह को, उससे आपकी रेगुलर अर्निंग होगी। दोस्तों अगर मैं कहूँ तो कोई पर्टिकुलर आपको पता होगा शायद नहीं, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है इंडिया की जो इस तरह का काम कर रही है, फोटोज़ सोल्ड करना या छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स सोल्ड करना उससे से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, उस पर वीडियोज़ वगैरह डालें, फिर एक सब्सक्रिप्शन रखें और यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट करें, वो आपका मेंबरशिप, मैं सबसे पहले आपकी मेंबरशिप लेना चाहूँगा अगर आप ये काम करते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कागजी कार्रवाई नहीं पता, कानूनी कार्रवाई नहीं पता। ऐसे लोगों के लिए आप जैसे आप ई वे बिल बनने का काम होता है, टिन नंबर लेने का काम होता है जिसे ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लीगली वर्क करती हैं, लोग नहीं चाहते, तो आप उनके लिए वो काम कर सकते हैं। अपना एक ऑफिस बनाइए, विजिटिंग कार्ड लोगों को पकड़ाइए, आप एक लोग दूसरे लोगों को मतलब थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट आप करिए, उसके बाद आपके पास काम आना शुरू होगा। आप उनके लिए लीगल डिपार्टमेंट्स में अपने कॉन्टैक्ट बना सकते हैं और वहाँ से उनके काम करा कर दे सकते हैं, उसका अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस, कोई भी काम हो, ये सारे यूनिक काम मैंने आज आपको बताए, इनमें से शायद ही आपने कोई काम पहले कभी सुना हो, है ना, और सबसे ज़्यादा डिमांड में है, 100% जेन्युइन है। ऐसी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में।